आपको बताएं कि जमान पार्क में तोड़फोड़ और पुलिस पर तशद्दुद का केस है। पीटीए रहनुमा डॉक्टर यासमीन राशिद और मियां असलम इकबाल इंसदाद दहशत गर्दी अदालत पहुंच गए हैं। पीटीए रहनुमा असद उम्मा फरूक हबीब और मुस्तरद जमशेद चीमा भी अदालत में पेश हुए हैं। आपको बता रहे हैं कि समान पार्क में तोड़फोड़ और पुलिस पर तशद्दुद का ये केस है, इसी पर बात करेंगे नुमान नूर से। बताए नुमान जी, इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत में केनाल रोड पर तोड़फोड़ करने और पुलिस पर पेट्रोल दम फेंकने और कार्य सरकार में मुदाखलत का ये केस है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल, डॉक्टर यासमीन राशिद, असद उमर इस तरह से मुख्तलिफ ये रहनुमा हैं जो कि इंसदाद दहशत गर्दी खसूसी अदालत में पेश हो चुके हैं, जबकि अब मुल्जमान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर और दुल्हान मजहब मलक जो हैं वो मुल्जमान की जानब से अदालत में दलाइल दे रहे हैं। इस हवाले से जीआईटी के सरबरा एसएसपी इमरान किशवर जो हैं वो भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कमरा अदालत में मौजूद हैं और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमन जज अबहर गुल खान जो हैं वो मुल्जमान की जमानतों पर समाअत कर रहे हैं। इस हवाले से मुल्जमान जो हैं वो कमरा अदालत में मौजूद हैं और अदालत में मुल्जमान के वकला जो हैं वो दलाइल दे रहे हैं। इस हवाले से बुरहान मुल्ला मलक ने दलाइल देते हुए कहा कि ये झूठा और सियासी मुकदमा है। इस मुकदमे में जो एफ आई आर दर्ज हुई उस एफ आई आर के अंदराज में 36 घंटे की जो है वो ताखीर है। 36 घंटे में ये जो सियासी मुकदमा बनाया गया इसमें देखा गया कि किस किस को शामिल किया जाए तो इस एफ आई आर का पेट भर सकता है। लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि अदालत मुल्जमान की अबूरी जमानतें कन्फर्म करने का हुक्म जारी करे, जबकि अदालत में अब मुल्जमान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो दलाइल दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया नुमान अपडेट करने का।